हाँ जी बच्चों, कैसे आप लोग? सो बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, लाइट का पार्ट नंबर 2। सो बेटा, आप लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया होगा, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, प्लेन मिरर के बारे में, लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट क्या होती है, पूरा पढ़ करके आए हैं ना। सो बेटा, अगर लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट वाला लेक्चर जा करके देख लो। सो बेटा, फिर से आपसे वही बात एक बोलूँगा जो हमेशा बोलते हुए आता हूँ कि भैया एनर्जी और पूरा फोकस पूरे लेक्चर पर लगाना, ठीक है। जो जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ लिया है पहले, आई थिंक स्कूल में या कहीं और क्लास में पढ़ लिया होगा, सो बेटा वो 2x की स्पीड में देखना। अगर जिनको आता है, जिनको नहीं आता है, आराम से कॉपी पेन लेके बैठना। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं क्या, लाइट का पार्ट नंबर 2। सो बेटा, आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपका रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर बेटा मान लो मैं आपसे ये बोलता हूँ, जैसे मान लो बेटा मेरे पास एक लाइट रे ये है, ठीक है, और एक बेटा मेरे पास लाइट रे ये है। अब मुझे एक बात देख करके बताना, क्या बेटा ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है क्या? ये बेटा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे। ओके, देखो बेटा, जहां पर दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं बेटा, वहां पर कैसी इमेज बनती है बच्चों? बेटा वहां पर आपके लिए इमेज बनती है बेटा, क्या रियल इमेज बनती है बेटा। क्या बनती है? रियल इमेज फॉर्म होती है बेटा, रियल इमेज फॉर्म होती है। वो कैसे? देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे कि मान लो बेटा मेरे पास ये कोई प्लेन मिरर है, मान के चलो बेटा मेरे पास क्या है, ये कोई प्लेन मिरर है मान लो, ठीक है जी। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ना आपके लिए मान लीजिए लाइट रे बेटा क्या आ रही है, हमारे लिए लाइट रे आ रही है इस तरीके से। ये लाइट रे आई बेटा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, आगे चली गई। मान लो बेटा एक लाइट रे और आई बेटा, यहाँ पे भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, आगे चली गई, ठीक है, इस तरीके से। एक सेकंड थोड़ा पीछे करो उसको। मान लो बेटा लाइट रे इस तरीके से आई, रिफ्लेक्ट हो गई, इस तरीके से चली गई, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से ले जाते हैं ऐसे। हाँ, अब ठीक है। अब बेटा मुझे इस पॉइंट पे बताना आप लोग देख करके, बेटा ये पॉइंट बेटा क्या लाइट रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं क्या? हाँ जी, हो रही हैं। सो बेटा अगर लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट होती हैं, सो बेटा वहाँ पे कैसी इमेज बनेगी बेटा आपके लिए, रियल इमेज फॉर्म होगी। अरे बात समझ में आई है? नहीं आई। मैंने क्या कहा, जब दो लाइट रेज बेटा आपस में एक्चुअली इंटरसेक्ट होती हैं, सो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं जी, रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। यहाँ पे आपको डिफाइन लिख देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, व्हेन लाइट रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हेन लाइट रेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, ईच अदर एट अ पॉइंट। सो बेटा कैसी इमेज बनती है हमारी, रियल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज इज फॉर्म्ड। तक कॉल आ रही है किसी की, एक सेकंड बेटा। हाँ बेटा, कैसी इमेज बनती है आपके लिए, रियल बेटा कैसी इमेज बनती है आपके लिए, रियल इमेज बनती है, ठीक है जी। अगर बच्चों मैं आप लोगों से बात करूं, देखो एक चीज़ और बेटा, रियल इमेज के बारे में एक पॉइंट आपको और लिखना होगा। देखिए बेटा, जब रियल इमेज बनती है, सो बेटा उसके साथ इमेज कैसी बनेगी कि हमेशा इन्वर्ट बनेगी। कैसी बनेगी बच्चा लोग? इन्वर्ट बनेगी। मैंने क्या बोला, जब बेटा रियल इमेज आपके लिए बनती है, सो बेटा वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्ट इमेज बनती है। इसका मतलब क्या, देखो जैसे मैं आपसे बोलूं, मान लीजिए बेटा ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, सो बेटा उसकी इमेज कैसी बनेगी, ऐसी उल्टी बनेगी। लास्ट क्लास में बताया था ना, मान लीजिए बेटा ये आपके पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, तो ये आपके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। सो बेटा ये क्या है इसकी, ये है बेटा इमेज, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसी है, और भैया इमेज कैसी बन रही है बेटा, उल्टी बन रही है। सो भैया उसको हम क्या बोलेंगे जी, इन्वर्ट इमेज। सो बेटा रियल इमेज के बारे में तीन पॉइंट आपने जान लिए बेटा। क्या क्या जाना, कि बेटा जहां पर बेटा लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी जिस पॉइंट पे, बेटा वहां पे कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। बेटा आप लोग जानते हैं रियल इमेज को हम बेटा स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे देखो क्या लिखा है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। स्क्रीन यानी पर्दा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना सिनेमा हॉल वगैरह में, प्रोजेक्टर से लाइट डालते हैं, इमेज दिखाई देती है, बेटा वो रियल इमेज ही होती है, ठीक है। सो बेटा स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इमेज इन्वर्ट होती है और लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करती है। बेटा ये सारे पॉइंट किसके बारे में थे, आपके रियल इमेज के बारे में। अब बेटा अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसके बारे में, वर्चुअल इमेज के बारे में। देखो बेटा ये बेटा इस इमेज को आप लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। बेटा अगर मैं आपसे बात करूं इसके बारे में, देखो इसमें तो लाइट रेज ने आपस में इंटरसेक्ट किया था, क्या इसमें बेटा लाइट रेज आपके आपस में इंटरसेक्ट करेंगे क्या, क्या लगता है? बेटा लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं करती है।
इस बेटा इसमें लाइटर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसे आपने क्या कहा, जैसे मैंने आपको बोला मान लीजिए बेटा ये आपके पास लाइटर ले लो कोई भी जो आपको मन करे, हाँ वाइट से लेते हैं ना, मान लो बेटा ये लाइटर है आपके पास, ये हुआ रिफ्लेक्शन, बेटा ये लाइटर आई, बेटा ये क्या हुआ इसका रिफ्लेक्शन। देखो ये लाइट रेज बेटा आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, बेटा किसके होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद। देखो बेटा यहाँ पर भी क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ उसके बाद बेटा इंटरसेक्ट हो रही है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे इज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर लाइट रे किसी पॉइंट पर मीट करती है बेटा कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। अगर बेटा लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। देखो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, हम लाइंस को एक्सटेंड करते हैं किसकी इमेज के। देखो मान लो बेटा लाइट रेज तरीके से जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, मान लो बेटा इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ऐसे बन जाएगी नहीं बन जाएगी। अरे हाँ या ना, अरे बोलो भैया मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि बेटा मान लो थोड़ा इसको रेज करें क्या, ये लो बढ़िया सा दिखाता है तुम्हें, ये लो मैंने कहा बेटा ये वाली लाइट रे जो है, मान लो ये लाइट रे का नाम मैंने दिया वन, क्या भैया जो फर्स्ट लाइट रे बेटा रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है बेटा, ये इस तरीके से जा रही है, तो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ ऐसे, ये कहीं ऐसे आपको दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी है ना। चलो जी ये हो गई बेटा ऐसे, ये लाइट रे मान लो बेटा आपके लिए सेकंड, ये सेकंड लाइट रे है बेटा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करें क्या, देखो बेटा थोड़ा एक्सटेंड करोगे बेटा क्या होगा, ओहो ऐसे एक्सटेंड करो उसको, इस तरीके से एक्सटेंड करो, करते जाओ बेटा क्या होगा इस केस में, अगर थोड़ा सा आप बढ़ाते जाओगे ना आगे बेटा लाइट रेज कहीं ना कहीं बेटा आपस में क्या हो जाएंगी, इस तरीके से इंटरसेक्ट हो जाएंगी यहाँ पे ऐसे, है ना। देखो अब बेटा इस केस में आपके लिए क्या हुआ कि बेटा लाइट रे ना किसी पॉइंट पे, बेटा लाइट रेज क्या हो रही है किसी पॉइंट पे आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। कहोगे सर आपने तो ये बड़ी इमेज बना दी, एनलार्ज इमेज बना दी, अरे वो आगे बताएंगे सर, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि भैया लाइट रेज जब आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, उन लाइट रेज को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, और बेटा हमें क्या लगेगा वो लाइट रे कहीं ना कहीं आपस में जाकर मिल रही होंगी। बेटा जिस जगह वो मिलेंगी बेटा वहां पे क्या होगी आपके लिए बेटा, इमेज फॉर्म होगी, क्या होगी बेटा, इमेज फॉर्म होगी। कैसी इमेज फॉर्म होगी बेटा, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज फॉर्म होगी बेटा, वर्चुअल इमेज। अब एक बात देखना बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लो बेटा इस केस में क्या होता है, यहाँ पे लिख दें क्या, When light rays do not intersect each other, but appears to meet at a point, मतलब किसी पॉइंट पर बेटा आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, इंटरसेक्ट नहीं होगी बेटा, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन। और भाई इस डायग्राम को सीरियस मत लेना, इसे समझाने के लिए बताए, कहोगे वरना सर आपने लास्ट क्लास में प्लेन मिरर इमेज बनाई थी वो तो भैया सेम साइज की थी, इसमें छोटी बनी है इसमें बड़ी बनी है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है बेटा। सो इसमें क्या होगा भैया, लाइट रेज के लिए एक पॉइंट लिखा, ध्यान सुनना क्या, अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, मतलब एक्चुअली भैया लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, हमें लग रहा है कि हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो भैया किसी पॉइंट पे आपस में जा करके मिलेंगी, भैया ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं भैया, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं बच्चों लोग, वर्चुअल इमेज। और बेटा इसके बारे में एक थर्ड पॉइंट अगर आपको लिखवाएं, सेकंड पॉइंट मान लीजिए ये है, इसमें क्या होगा देखें, ये बना लेते हैं, देखो बेटा मान लो ये बच्चा लोग आपके लिए ऑब्जेक्ट है, तो बेटा इसकी इमेज कैसी बनेगी, ऐसी ही बनेगी। देखो मैंने क्या बोला, मान लो बेटा ये आपके लिए ऑब्जेक्ट है तो ये आपके लिए क्या है, इमेज। अब है क्या, ऑब्जेक्ट भैया ऐसी थी, भैया इमेज भी ऐसी बनी, सेम टाइप सी बनी, मतलब सीधी थी बेटा, यहाँ पर भी क्या बनी, सीधी बन रही है, तो भैया इसको हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेजेस फॉर्म। बेटा कैसी इमेज बनी है, इरेक्ट इमेज बनी है आप लोगों के लिए। अरे ठीक है भैया, तो वर्चुअल इमेज के बारे में क्या बताया, लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है बेटा, क्या करती है किसी पॉइंट पर आपको मिलते हुए दिखाई देंगी, अगर आप लोग उस बढ़िया लाइट रेज को एक्सटेंड करोगे। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, अब देखो बेटा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या बच्चों, स्फेरिकल मिरर। बेटा क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर, यानी आपके पास बेटा ये मान लो एक पूरा मिरर है बेटा, आपके पास क्या है बेटा, ये पूरा मिरर है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो इसको यहाँ से पॉलिश कर रहा हूँ बेटा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पॉलिश कर रहा हूँ, देखते जाना, यहाँ से पॉलिश कर रहा हूँ बेटा, ये इसका मान लो सेंटर है, सेंटर का मान लो बेटा सी, ठीक है, और बेटा इसको यहाँ से पॉलिश कर रहा हूँ, किस साइड से, अंदर की साइड से कर लो पॉलिश,
यहाँ से पॉलिश कर देते हैं इस तरीके से, है ना। देखो आपके लिए बेटा मैंने दो मिरर बना दिए बेटा, ये आपके लिए क्या है, मान लीजिए बेटा आपके लिए स्फीयर है, ठीक है। अब ये इसमें से बेटा मैंने आपके लिए क्या करे, दो मिरर बना दिए, ये कौन कौन से देखो बेटा, एक को कहाँ से पॉलिश कर दिया, बाहर की साइड से बेटा, इसको कहाँ से, एक को कहाँ से बेटा पॉलिश कर दिया, अंदर की साइड से पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब इनके नाम क्या क्या होंगे देखो बेटा, ये जो सरफेस है, एक सेकंड ऊपर बना लेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं बेटा, ये ऐसा जो मिरर होगा बेटा, हम क्या बोलेंगे आपके लिए, एक बेटा आपके लिए होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। एक बच्चा लोग आपके लिए क्या होता है, कॉनवेक्स मिरर। क्या होता है बच्चा लोग आपके लिए, कॉनवेक्स मिरर। देखो अब मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए बेटा, यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक ऐसा एक बोल लेता हूँ, करो ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मान लो बेटा इसको मैंने यहाँ से पॉलिश कर दिया बेटा, यहाँ से क्या कर दिया इसको पॉलिश कर दिया, तो बेटा ये क्या है जी, आपका पॉलिश पार्ट है, क्या बेटा ये पॉलिश पार्ट है, ठीक है बेटा। कैसा है ये बेटा देखो, अगर मैं हाथ को इस तरीके से बनाऊँ बेटा, ये मेरा हाथ बाहर की तरफ से उभरा हुआ है ना, इसको बेटा क्या बोलते हैं, बल्ज, क्या बोलते हैं बेटा, बल्जिंग पार्ट, बल्ज। मतलब ऐसा मिरर जो बेटा बाहर की साइड से क्या होगा आपका, बल्ज होगा, इस तरीके से होगा, उभरा हुआ होगा पीछे की साइड से, ऐसे उभरा हुआ होगा बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनवेक्स मिरर। बेटा इसमें एक चीज़ ध्यान देना, अब बेटा ये इसका बल्जिंग मिरर है, इसका बल्जिंग पार्ट है, और बेटा इसका क्या है, ये वाला पार्ट जो अंदर है बेटा, ये वाला, इसको डॉट से बना दो बेटा, ये पार्ट इसका होता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट। क्या होता है बच्चा लोग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या रिफ्लेक्टिंग पार्ट बोल लो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट रेज आएंगे और बेटा क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी बेटा, वो होता है मिरर, ठीक है जी। अगर बेटा मैं आप लोगों से बात करूं आगे, मान लीजिए ये वाला एक सरफेस बनाया मैंने, ठीक है। अब देखो अगर आप ऐसा बोल सकते हैं इसको कि बेटा ये कहीं ना कहीं बेटा क्या होगा, एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। किसको बोलते हैं भैया, कॉनकेव कॉनवेक्स मिरर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्यों, अगर आप बेटा इनको थोड़ा एक्सटेंड करोगे, बढ़ाओगे, तो क्या बन जाएगा आपके लिए, स्फीयर बन जाएगा, ठीक है जी। इसको हटा देते हैं, चलिए। अब बेटा इसमें देखना, मान लो बेटा मैं इसको यहाँ से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ये इसका क्या है, ये है पॉलिश सरफेस, क्या बेटा, पॉलिश्ड सरफेस। बेटा अगर अंदर की साइड से पॉलिश्ड ऐसा, अगर हाथ को मैं उल्टा कर दूँ इस तरीके से, अभी हाथ देख रहे हो, अपनी तरफ से देखना, ये हाथ ऐसा कर दूँ, ये वाला यहाँ से बेटा पॉलिश्ड है, यहाँ से बेटा क्या ये है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो बेटा ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनवेक्स मिरर। देखो बेटा ये वाला सरफेस क्या है इसका, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बच्चा लोग ये क्या है आपके लिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, कोई दिक्कत। सो भैया आपके पास दो बेटा पार्ट आ गए, कौन कौन से स्फेरिकल मिरर के, एक कॉनवेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर। तो भैया इसमें देखना, ये वाला आपके लिए कौन सा बन जाएगा जी, यहाँ पे ये वाला बन जाएगा आपके लिए कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटा। ये आपके लिए क्या बन जाएगा जी, ये वाला कौन सा बन जाएगा बेटा आपके लिए, कॉनवेक्स मिरर, बिकॉज दीज मिरर्स आर पार्ट ऑफ स्फीयर, इसलिए बोलते हैं इनको स्फेरिकल मिरर, कोई दिक्कत। अब देखना एक चीज बेटा, इसमें मैंने किया सेंटर, अगर भैया सेंटर को थोड़ा सा बेटा मैं एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, मिला दूं, सुनते जाना, बहुत काम की चीज आने वाली है। अगर बेटा मैं सेंटर को मिला दूं, तो भैया जिस पॉइंट पे मिलेगा बेटा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं जी, पोल बेटा, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल, समझ रहे हो, नोटेशन नोटिस का पी रहेगा, क्या रहेगा बच्चा लोग, पी। मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि भैया इस स्फेरिकल मिरर का, कॉनकेव हो या कॉनवेक्स हो, इनका तो बेटा सेंटर होगा बेटा, इनका सेंटर क्या कहलाएगा आपके लिए, पोल बेटा, इनका सेंटर क्या कहलाएगा आपके लिए, पोल, कोई दिक्कत। हाँ जी, अब देखना एक चीज, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में बेटा एक मिड पॉइंट ले लेता हूँ बच्चा, क्या ले रहा हूँ, एक मिड पॉइंट बेटा, इसको बोलते हैं एफ, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, एफ, एफ मीन्स फोकस, क्या बोलते हैं बच्चा लोग इसको, फोकस, ठीक है। जहाँ पर लाइट रेज आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज होंगी या कन्वर्ज होते हुए दिखाई देंगी, मैं बताऊंगा इसका मतलब। मैंने क्या बोला कि बेटा ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर क्या होगा, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो कन्वर्ज हो जाएंगी, आपस में एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी, या इंटरसेक्ट करते हुए आपको दिखाई देंगी, दो चीज़ें होंगी, या तो आपस में एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी, या बेटा इंटरसेक्ट करते हुए आपको दिखाई देंगी, या पियर्स टू मीट, वो वाला पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, अभी बताया था, है ना भैया। ये क्या है कहोगे सर, आपने ये तो बताया नहीं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, जो लाइन है जो पोल से कर्वेचर तक आ रही है बेटा, सी फोर सेंटर है ना, इस बेटा सी को हम क्या बोलते हैं जी आपके लिए,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, बेटा क्या बोलेंगे आपके लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताएंगे अभी पूरा, देखते जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते जाना, ठीक है। और बेटा ये जो बेटा लाइन मिलाई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, बेटा इसको हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, देखते जाओ अभी समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब बेटा ये पॉइंट था फोकस, ये था पोल, ये क्या बेटा आपके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ेगा, देखो आगे, देखो आगे आओ, अब देखते जाना बेटा, एक लाइन खींच रहा हूँ इसमें इस तरीके से, ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, इसमें भी एक लाइन खींच लूँ, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत, हाँ जी। देखो बेटा अब इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, बेटा जो इस मिरर का सेंटर होगा बेटा वो आपके लिए क्या बनेगा जी, पोल, क्या बनेगा आपके लिए, पोल। बेटा देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता तो बेटा पूरा आपके लिए क्या बनता, एक सेकंड कहाँ चला गया भैया, बुरा मान गया ये, कहाँ चला गया भाई, हाँ हाँ एक सेकंड, हाँ ये आ गया, भाग गया था भैया ना, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा अगर आप इसको पूरा एक्सटेंड करते बेटा पूरा क्या बनता आपके लिए, स्फीयर बन जाता, बन जाता। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस स्फीयर का पीछे देखो बेटा, इस स्फीयर का सेंटर क्या था, सी था ना बेटा, इस स्फीयर का सेंटर क्या था, सी। अब आ गया बेटा यही सी, ये बेटा आपके लिए पॉइंट क्या है, सी, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा मैं आपसे एक बात कहूँ बेटा, दूसरा मैंने आपको क्या कहा था, एक बात अभी बताऊंगा, इसमें देखना भैया, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट बेटा ये आपके लिए क्या बन जाएगा जी, एक पॉइंट फोकस, बेटा क्या बन जाएगा आपके लिए, फोकस। और एक बात ध्यान रखना, ये डिस्टेंस बेटा ये वाला डिस्टेंस बेटा हमेशा सेम रखना, इसलिए आप जब भी कोई रे डायग्राम बनाए तो बेटा स्केल से बनाना मेजर करके, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो भैया कॉपी बेटा ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपके लिए, ठीक है, तभी आपका रेडियोग्राम प्रॉपर और एग्जैक्ट बनेगा, प्रिसाइज बनेगा, ठीक है। भैया आप एक बात देखना, अगर ये इसका सेंटर है, देखो बेटा अगर आपने एक स्फीयर बनाते, देखो मैं आपको एक समझाने के लिए एक डायग्राम लेता हूँ बेटा, अगर आप लोग एक स्फीयर बनाते और भैया उसमें मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा बनता है स्फीयर और एक स्फीयर बनाते, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, आपके लिए ये सेंटर सी है बेटा, ये मान लीजिए पोल है, आपके लिए पोल है बेटा, अगर डिस्टेंस को मिलाते हैं आप लोग उसको क्या बोलते हैं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, बेटा क्या बोलते, रेडियस बोलते हैं ना। सो बेटा सी पॉइंट से पी तक का जो डिस्टेंस होगा, सी पॉइंट से बेटा पी तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चा लोग, आप इसको क्या बोलेंगे, बोलो, बोलेंगे बेटा आर, क्या बोलेंगे बच्चा लोग, आर। व्हाट इज आर फॉर यू, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे बच्चा लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत क्या। अब मुझे एक बात बताना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए कहा था, मान लो बेटा अगर आपने ये 5 सेंटीमीटर बनाया बेटा, ये भी आपने कितना बनाएंगे, सी से लेके पी से लेके एफ तक का कितना बनाया, 5 सेंटीमीटर बेटा, एफ से लेके सी तक का कितना बनाएंगे बेटा, ये भी 5 सेंटीमीटर बेटा, टोटल कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देख के मुझे बताना, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ आपको, आर इक्वल्स टू 2F, आर इक्वल्स टू 2F बोल सकता हूँ क्या बेटा, ये एफ क्या है भैया, ये जो पॉइंट होता है ना, देखो फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस बेटा ये होती है फोकल लेंथ, क्या होती है बच्चा लोग आपके लिए, फोकल लेंथ। मैं कह रहा हूँ फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, मतलब ये फोकस, ये पोल बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस आपके लिए क्या होगा जी, फोकल लेंथ। मुझे बताना बेटा, ये था आपके लिए रेडियस 10 सेंटीमीटर, क्या 2 से मल्टीप्लाई बेटा, अगर फोकल लेंथ आपके लिए कितनी बेटा, 5 सेंटीमीटर, तो क्या 10 आएगा, नहीं आएगा, देखो 2 5 जा 10 और बेटा ये भी 10, तो यहाँ से रिलेशन निकल गया बेटा आपके लिए, क्या निकल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अरे ये बात समझ में आई क्या नहीं आई, बोलो, ऐसे आप लोग इसमें बना लो, कुछ नहीं जा रहा बेटा। ये इसका क्या है बेटा, इसका फोकस, ये इसका मान लीजिए पोल बेटा, ये इसके लिए क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बना सकते हैं आप लोग, ठीक है बेटा। आपके लिए कौन सा मिरर था जी, ये है बेटा आपके लिए कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटा, ये आपके लिए क्या है जी, फॉर यू दिस इज कॉनवेक्स मिरर। और एक आपको एक काम की बात बताएं, नोट डालना कॉपी के अंदर, लेके बैठना, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, एक नोट देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कॉनकेव मिरर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं जी, कन्वर्जिंग मिरर, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, कन्वर्जिंग मिरर। अब सर ये क्या है जी, देखो बताते हैं अभी आपको, देखो अभी आपको कुछ रूल्स भी बताने हैं मुझे, रूल्स अभी बाकी हैं आगे बताएंगे, पर आप ये समझ लो, मान लो बेटा अगर आपने कॉनकेव मिरर लिया बेटा, कौन सा मिरर लिया आप लोगों ने, कॉनकेव मिरर लिया, और भैया ये क्या है जी इसकी, मैंने आपको क्या बताया था बेटा अभी, बेटा ये क्या है जी इसकी, ये तो भैया टेढ़ी मेढ़ी लाइन है
इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा इससे बना लेते हैं, बेटर रहेगा। बेटा ये क्या है जी, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अब है क्या, जब कोई लाइट रे आई, मैंने क्या बोला, मान लो बेटा आपके लिए लाइट रेज आ रही हैं, बच्चा लोग आपके लिए क्या हो रही हैं, लाइट रेज आ रही हैं, बेटा यहाँ से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, आया ना, लाइट रेज आई तो बेटा आपके लिए क्या हो जाएंगी यहाँ से, अरे भैया सीधा बन जा, लाइट बेटा आपके लिए क्या हो जाएंगी, देखो टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है ना ये, बेटा रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है जी। देखो अब बेटा मैंने कहा एक लाइट रे और आई, बेटा वो भी क्या हो गई बच्चा, आप लोग आपके लिए रिफ्लेक्ट हो गई। अब सुनना एक बात, अब बेटा जितनी भी लाइट रेज आएंगे, बेटा मान लो एक लाइट रे और आई, बेटा वो भी आपके लिए क्या हो गई जी, रिफ्लेक्ट। सो थोड़ा येलो से बना लेते हैं ताकि आपको दिख जाए, बेटा ये भी क्या हो गई आपके लिए, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो एक लाइट रे और आई, बेटा ये भी आपके लिए क्या हो गई बच्चा लोग, रिफ्लेक्ट हो गई। सुनो अब हो क्या रहा है इसमें, कैसे हुई, क्या हुई आगे बताएंगे, कि अगर लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद, लाइट रेज बेटा रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रही है, एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही है, क्या चेक करो, क्या बेटा एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है क्या, ये बेटा क्या है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, क्या बेटा आपके लिए पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, यानी यहाँ पर लाइट रेज आपके लिए क्या हो रही है बेटा, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, तो क्या हो रही है आपके लिए कन्वर्ज, इसीलिए बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जी, कन्वर्जिंग मिरर, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, कन्वर्जिंग मिरर। वो दिक्कत क्या, हाँ जी ये किसको बोला बेटा मैंने, कॉनकेव मिरर को क्या बोला जी, कन्वर्जिंग मिरर, बिल्कुल याद रखेंगे। और किसी बच्चे के मन में आया होगा सर एक बात तो बताओ, क्या अब बेटा ये वाला मिरर होता तो कि सर ये वाला होता कॉन्वेक्स होता तो क्या करते, देखो इसके बारे में बताएंगे अभी आपको। मान लो जी ये आपके लिए क्या है जी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो हो क्या रहा है, ये आपके लिए फोकस, ये आपके लिए कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो भैया लाइट रेज आती, तो लाइट रेज आई क्या हो गई बेटा आपके लिए, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है जी, थोड़ा छोटा बनाओ उसको, बेटा क्या हो गया सर, रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट रेज आई बेटा आपके लिए क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। देखो भैया इसने लाइट रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं किया, किसने, कॉन्वेक्स मिरर ने इकट्ठा नहीं किया ना, आई उनको फैला दिया। देखो लाइट रेज ऐसे आ रही हैं और ऐसे जा रही हैं, ऐसे आ रही हैं और ऐसे जा रही हैं, फैल रही है ना, इसीलिए बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, बेटा आपके लिए क्या बोलते हैं बच्चा लोग, कॉन्वेक्स मिरर को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, अरे देखो अरे भैया सीधा बन जा, कॉन्वेक्स मिरर को बेटा हम क्या बोलते हैं आपके लिए, डाइवर्जिंग मिरर बोल सकते हैं, तो लाइट रेज को इकट्ठा नहीं करता बेटा, ये फैला देता है, क्या करता है, फैला देता है यहाँ वहाँ, डाइवर्जिंग मिरर। बट आप लोग एक काम कर सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगेगा बेटा ये इस पॉइंट से आते हुए दिखाई दे रही है, ऐसे आपको ऐसा लगेगा, तो कहाँ से आते दिखाई दे रही है, फोकस से आते हुए दिखाई दे रही है लाइट रेज, फोकस से आई देखना भी आपको, इससे बनाते हैं। अरे भैया किधर भाग रहे हो, देखो ऐसा आपको लगेगा बेटा, कहाँ से आएंगे, इस साइड से आएंगे कहीं, ये यहाँ से है ना, इसको बनाए, तो ये आपके लिए क्या बेटा, ऐसा ही है कुछ आपके लिए, सीधी है बेटा ये लाइट रेज, बेटा सीधी आएंगी, थोड़ा टेढ़ी बना दी क्या, ये सीधी बनाना बेटा आप लोग ऐसे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि लाइट रेज बेटा इस पॉइंट पे थी, यहाँ से बेटा क्या हो रही है, फैल रही है बेटा, यहाँ से क्या हो रही है, फैल रही है, देखो इस पॉइंट पे मान लो इकट्ठी थी बेटा, यहाँ से क्या हो रही है, फैल रही है, फैल रही है, नहीं फैल रही है, इसलिए बेटा हम इसको क्या बोल रहे हैं, डाइवर्जिंग मिरर, क्या बोल रहे हैं बेटा लोग, डाइवर्जिंग मिरर। बेटा एक बार कैमरा चेक कर लें क्या, कहीं टाइमिंग खत्म ना हो जाए, अभी है 5 मिनट बाकी है। हाँ जी बेटा, सो मैंने क्या बोला भैया, कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, बेटा कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, क्यों, क्यों आपको उसको देखने में ऐसा लगेगा कि भैया पॉइंट एफ से लाइट रेज आ रही थी और बेटा क्या हो गई यहाँ से, ये फैल गई, डाइवर्ज हो गई। अरे बात समझ में आई नहीं आई, बोलो बढ़ेंगे आगे, अरे इतनी बात समझ में आई क्या, चलो जी फटाफट से बेटा इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अब वही चीज़ वो जो मैंने आपको बताया था, क्या देखो फटाफट से क्या क्या आ रहे हैं, पहला आपके लिए क्या आया भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ अ होलोस्फेयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, मतलब जो बेटा आप लोगों ने स्फेयर बनाया था, चलो यहीं पे बताते हैं, छोड़ो यहीं पे एक बना लेते हैं आपके लिए स्फेयर, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, है ना, ये आप लोगों ने स्फेयर बनाया था बेटा, स्फेयर का जो आप लोगों ने सेंटर लिया था बेटा, वही सेंटर आपके लिए क्या कहलाया बेटा, वही सेंटर आपके लिए क्या कहलाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा, आपके लिए क्या कहलाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया, कोई दिक्कत क्या, देखो ये बेटा आपके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। दूसरा बेटा क्या, पोल। अब बेटा आप लोगों ने जो भी मिरर लिया था, मान लो बेटा ये यहाँ से मिरर था, कौन सा मिरर बना दिया बेटा मैंने, ये बना दिया बेटा कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब बेटा है क्या,
इसका सेंटर, इस मिरर का सेंटर कौन सा भैया? ये कॉन्वेक्स है बेटा। भैया आपके लिए कौन सा बनाया मैंने, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? बेटा कॉनकेव है, ठीक है। कौन सा बेटा? कॉनकेव मिरर है। अब बेटा इसका जो सेंटर होगा, ये रहा इसका सेंटर, वो बच्चों लोग आपके लिए क्या है जी, पोल, ठीक है। दूसरा क्या बेटा, देखो लिखा है ना, द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फीयर, द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। चलो बता दिया भैया, स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो आपके लिए क्या बन गया, पोल। अब ये अपर्चर, अपर्चर क्या होता है, देखो मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये आपके लिए बेटा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ से पॉलिश किया हुआ है, मान के चल लो। अब बेटा है क्या, अब बेटा जितना पोर्शन इस मिरर का जिसपे इंसिडेंट लाइट आ सकती है और रिफ्लेक्ट हो सकती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना पोर्शन मेरे हाथ का या इस मिरर का बोल लो, जहाँ बेटा लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होगी, लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होगी, जितना पोर्शन किसका, मिरर का, जहाँ पे लाइट आएगी और बेटा रिफ्लेक्ट हो सकती है, बेटा वो सारे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, अपर्चर। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, अपर्चर। देखो मान लो बेटा आपने क्या बनाया, ये बनाया, कौन सा बन गया बेटा, कॉनकेव मिरर। बेटा यहाँ से बनाएंगे तो कौन सा बन जाएगा आपके लिए, कॉन्वेक्स मिरर। बेटा है क्या, यहाँ से कोई लाइट रे आएगी रिफ्लेक्ट हो सकती है, लाइट रे आके रिफ्लेक्ट हो सकती है, लाइट रे आके रिफ्लेक्ट हो सकती है, आया ना, ऐसे होगा। बेटा यहाँ पे कोई लाइट रे आई तो रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट रे आई रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट रे आई रिफ्लेक्ट हो गई, आया ना। सो बेटा वो पूरा पोर्शन जिस पे लाइट रे आके बेटा रिफ्लेक्ट हो सकती है, आपके लिए क्या कहलाएगा जी, अपर्चर, द पार्ट ऑफ द स्फीयर स्फेरिकल मिरर विच इज एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट, मतलब जहाँ पे इंसिडेंट लाइट आके रिफ्लेक्ट हो सकती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं जी, अपर्चर। आगे बढ़ो फटाफट से। अब बेटा क्या प्रिंसिपल एक्सिस, देखो बड़ा आसान है, एक स्फीयर यहाँ पे बनाते हैं, स्फीयर आपके लिए समझाने के लिए, ठीक है। ये आपके लिए मान लो बेटा ये सेंटर है ओ, ये आपके लिए पोल है मान लो बेटा पी। अब वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को बेटा क्या करेगी, क्रॉस करते हुए निकलेगी, देखो ऐसा, जो लाइन बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को बेटा क्या होगी, क्रॉस करते हुए निकलेगी, बच्चा लोग आपके लिए क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएगी बेटा आपके लिए, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत क्या, फटाफट डिफाइन देखो उसकी क्या लिखा है, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल को बेटा जोड़ने वाली जो लाइन होगी, ये सेंटर ऑफ पोल है, सॉरी ये सेंटर है आपके लिए पोल है, बेटा जो इनको लाइन मिलाएगी दोनों को बेटा वो आपके लिए क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा प्रिंसिपल फोकस क्या है बेटा, वो पॉइंट किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, क्या बोलूँ, फोकस क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बेटा यहाँ पे क्या होगा आपके लिए, लाइट रेज बेटा आएंगी, आपके लिए क्या होगी, लाइट रेज आएंगी, ये बेटा आपके लिए क्या है जी, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ी बड़ी बना दी क्या, छोटा बनाते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट चली गई क्या, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये फोकस। देखो है क्या, लाइट रेज आपके लिए आ रही हैं, लाइट रेज आपके लिए क्या हो रही है भैया, देखो आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होगी बेटा, रिफ्लेक्ट होकर मान लो इधर आ गई, तो यहाँ से लाइट रे आई बेटा रिफ्लेक्ट हुई, इधर आ गई लाइट रे बेटा रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे आ गई, आया ना, द लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे आ गई। देखो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद बेटा, लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे आपको कन्वर्ज होते हुए दिखाई देती हैं, यानी लाइट रे से मान लो बहुत सारी लाइट रेस आ रही हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं, क्या क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही हैं बेटा, क्रॉस कर रही है तो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत क्या, अब बेटा इसकी बात करें ऐसे ही मान लो, ये आपके लिए क्या बेटा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें क्या होगा, मान लो बेटा लाइट रे आई यहाँ से, बेटा क्या आई है, पोलिश अंदर से, है ना, मान के चलो बेटा आपके लिए क्या हो रही है, लाइट रे आई रिफ्लेक्ट हो गई, बेटा ये आपको कहाँ से आते हुए दिखाई देंगी, यहाँ से बेटा लाइट रे आई रिफ्लेक्ट हो गई, आपको क्या लगे बेटा कहाँ से आते हुए दिखाई दे रही है, फोकस आते हुए दिखाई दे रही है। तो बेटा ऐसा वो पॉइंट जिसमें बेटा लाइट रे आपको फोकस से हुए बेटा फोकस पे कन्वर्ज होते हुए दिखाई देती है, एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं कर रही है, आपको लगेगा भैया यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, बेटा इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यानी लाइट रेज बेटा रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको क्या लगेगा बेटा, एक पॉइंट से बेटा क्या हो रही है, बेटा इस पॉइंट पे क्या हो रही है, आपको कन्वर्ज होते हुए दिखाई दे रही है। सो बेटा जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होते हुए आपको दिखाई देंगी बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब जी फोकल लेंथ क्या होती है, बड़ा आसान है, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा, यहाँ पे आपका क्या हुआ करता था, बीच में फोकस हुआ करता था बेटा, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस बेटा ये
फोकस से बेटा पोल तक का डिस्टेंस बेटा आपके लिए क्या कहलाएगा, बोलो फोकल लेंथ क्या कहलाएगा बेटा, फोकल लेंथ मतलब ये आपने अगर कोई स्फीयर बनाया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो बीच में आप क्या बनाते हैं जी, ये फोकस है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बेटा, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस फोकस से पोल तक का बेटा, ये डिस्टेंस आपके लिए क्या कहलाएगा जी, फोकल लेंथ बेटा, क्या कहलाएगा आपके लिए, फोकल लेंथ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है भैया, प्रिंसिपल फोकस पे और भैया पोल तक के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा बेटा आपके लिए, फोकल लेंथ। और बच्चा आपके लिए क्या बचा है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने क्या बताया, रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर, मतलब बेटा इस होलोस्फीयर का, ये बेटा आपको मैंने बताया था पीछे, रेडियस बेटा क्या होता है आपके लिए, रेडियस, अरे पता नहीं है मार्कर में क्या हो रहा है, छोटा बड़ा, एक छोटा करते हैं बेटा, ये वाला क्या कहलाएगा आपको, चलो आपके लिए रेडियस है ना, पोल से बेटा सेंटर तक का डिस्टेंस आपके लिए क्या कहलाएगा, रेडियस है ना, स्फीयर है ना, वो जो लिखा है रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, मतलब बेटा अगर स्फीयर में से हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं, तो बेटा इसके लिए आर क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और बेटा वो कितना होता है आपके लिए, अभी बताया था बोलो, आर इक्वल्स टू 2f, r इक्वल्स टू 2f, फोकल लेंथ बेटा, सुनो एक चीज़ बताना भूल गया आपको बेटा, फोकल लेंथ का सिंबल होता है f, बेटा प्रिंसिपल फोकस का होता है f, और भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा आपके लिए क्या होता है r, पीछे आ दो एक आधा और बचा है क्या, अपर्चर के लिए नहीं है बेटा, पोल के लिए होता है p, बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए होता है c, ये सिंबल्स हैं बेटा जो हम लोग किसमें यूज़ करेंगे, आपके रे डायग्राम में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है जी, हाँ जी बेटा। तो मैंने क्या बताया बेटा, आर किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। सो बेटा अब ये क्या है, सारे टर्म्स आपके ख़त्म हो चुके हैं भाई, क्या क्या कहता आपके लिए, प्रिंसिपल फोकस था, प्रिंसिपल एक्सिस थी, पोल था, अपर्चर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था, फोकल लेंथ थी, सातों टर्म खत्म हो गए। सो बेटा यहाँ तक नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।